अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क भर में सैलाबी तबाहकारियाँ और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। इस मामले में आलमी इमदाद भी अब पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो चुकी है। इमदाद इससे पहले भी माजी में हमने देखा, चाहे तो 2005 का जलसला हो, 2010 का सैलाब हो, COVID-19 हो या आज का ये सैलाब, इंटरनेशनल कम्युनिटी और ख़ासतौर पे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से जो इमदाद आती है वो उसमें शफाफियत सबसे बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान का। और यही वजह है खुद पाकिस्तानी कम्युनिटी भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस मामले में घबराते हैं पाकिस्तान की मदद करते हुए। उनको ये ट्रस्ट नहीं होता कि क्या ये चीज़ें, हमारी दी हुई इमदाद जो मुतासरीन है उन तक पहुँचेगी या नहीं। और ये माजी में अगर हम देखें तो जो हुकूमतें हैं और हुकूमतों के आला अहदेदारान जो हैं उनके घरों में ये चीज़ें जाती रही हैं। ये बदकिस्मती से हमारा ये अलमिया रहा और यही चैलेंज आज भी, इस चैलेंज का सामना है। देखना यह है कि जो इमदाद आ रही है वो सही मानों में लोगों तक पहुँचेगी नहीं। कश्मीर की जब हम बात करते हैं जलजले की, तो आज तक बहुत सारे एरियाज़ हैं जो जहाँ पे उनकी जो बात करी है उस तरह नहीं हो सकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और जो कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इमदाद दी थी, ये चीज़ें हमें यहाँ पे भी गलतियाँ कोताहियाँ नज़र आ रही हैं अभी से। सूबाई हुकूमतों की जब हम बात करते हैं, वफाकी हुकूमत की बात करते हैं, तो वो भी सिंक नहीं है, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ रहे। तो ज़ाहिर है ये जो इमदाद आ रही है एक सूबे के पास आ रही है, वफाक के पास आ रही है, तो उसको सिंक करना और जो मुतासरीन हैं उन तक पहुँचाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके ऊपर भी हमें काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ना तो सूबाई हुकूमतें कोऑर्डिनेट कर रही हैं वफाक से और ना वफाक इस मामले को संजीदगी से ले रहा है। दूसरी तरफ आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी चीफ पुरज़म हैं कि मुतासरीन जो हैं उन तक पाक फ़ौज जो है वो मदद करती रहेगी और तमाम लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से चूँकि पाक फ़ज़ैया की कार्रवाइयाँ हैं वो भी तेज़ी से जारी हैं। अफवाज हमेशा आवाम के साथ हर मुश्किल में खड़े रहे और उन्होंने कोशिश की रेस्क्यू करने की जब भी कोई मुसीबत पड़ती है, लेकिन सिविल हुकूमत और हमारे जो सिविल इदारे हैं वो हमें नाकाम दिखाई देते हैं। और सूबाई हुकूमतें तो कराची की जो थोड़ी सी भी बारिश होती है उसके ऊपर भी हैंड्स अप कर लेते हैं और बिलाखिर फ़ौज को आना पड़ता है। ये क्यों है और क्यों हमारी जो सिविलियन हुकूमतें हैं वो इतनी कमज़ोर और उनके अंदर जो इंतज़ामी गफलत है वो उसका कोई सानी नहीं, क्यों ऐसा क्यों होता है और ये इदारे इतनी ज़्यादा करप्शन की नज़र क्यों हो जाते हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो इस वक्त मौसम की सख्तियाँ हैं अंदरूनी सिंध की, जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की बात करते हैं जनूबी पंजाब की बात करते हैं, तो ज़ाहिर बलूचिस्तान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। उसकी अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जो हमारी ऑफिशल्स से बात हुई जहाँ पर रेस्क्यू टीमें अभी तक नहीं पहुँच सकें, रबता सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, कम्युनिकेशन गैप है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो सबसे दिलखराश जो हमें मंजर नज़र आए वो जो इमदाद की तकसीम हो रही है और जिस तरीके से हो रही है वो भी बड़ा सवालिया निशान है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि सूबे बनने चाहिए और हर डिवीज़न को सूबे का दर्जा देना चाहिए। ये बात इससे पहले तारुल कादरी साहब भी कह चुके हैं कि ये इस सिस्टम को अगर डिलीवर करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूबे बनाने हों के, बात बिल्कुल ठीक है लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं होता, सियासत ज़रूर हो रही होती है। और जब वक्त गुजरता है तो फिर हमें याद आती हैं, जब इख्तदार आपके पास होता है तो उस वक्त आप इस पे अमल नहीं करते। साथ ही साथ खान साहब ने यह भी कहा है कि मैं हर गुजरते दिन के साथ ख़तरनाक होता जाऊंगा और हो रहा हूं, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के और उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक में मौजूद हैं फहमीदा यूसफी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे प्रोग्राम में बिलखसूस शिरकत करती हैं। फहमीदा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शाहनवाज जुदून साहब सीनियर सियासतदान एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में।
थैंक यू जफीर भाई। शाहनवाज जिदुन साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो इमदादी कार्रवाइयाँ, चूँकि सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान मुतासर हुआ है और बलूचिस्तान अभी तक उन लोगों तक इमदाद नहीं पहुँच सकी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहाँ पाक अफवाज, FC, सिविल हुकूमत कोशिश कर रही है। ज़ाहिर बहुत बड़ा एरिया है जनूबी पंजाब, KP और सिंध की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। इमदाद इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, चूँकि लोग मदद तो कर रहे हैं, वो सही मानों में उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, और जो तहफ़ुज़ात हैं डोनर्स के, वो कैसे दूर किए जाएं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल जफीर भाई, खासकर जो आलिया बारिशों से जो सैलाब आया है, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है तो वो बलूचिस्तान और सिंध, हमारा सिंध हुआ है। और मैं यहाँ पर खासकर जिक्र करूंगा अपने आर्मी के नौजवानों का, कि वो जिस तरीके के साथ लगे हुए हैं, और मैं उनको खराज तहसीन में पेश कर रहा हूँ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जाहिर है हमने तो दो इंटीरियर सिंध के दो तीन चक्कर लगाए और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में हम गए, तो हमने जो उनका वर्क देखा है ना, एक बेहतरीन तरीके से वो लगे हुए हैं। और जो हम अपना सामान भी परसों हम गए थे, तो हम उनकी मदद ले लेते हैं, उनकी मदद से हम तकसीम करते हैं, और एक बेहतरीन तरीके से, एक मुनज़्ज़म तरीके से वो अपना भी काम कर रहा है। और जो वहां जाते हैं और उनसे हेल्प लेते हैं, तो मैं सब वो उनको भी पूरा जबरदस्त वो देता है, सही, रेस्पॉन्ड देता है। लेकिन इसमें बात शाहनवाज साहब, ये NDM में, BDM में हमें किसी भी लेवल पे नजर नहीं आ रहा, ना सूबाई सतह पे, नेशनल सतह पे। बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, KP बात कर रहे हैं, जनूबी पंजाब या सिंध की बात करें, ये बुनियादी तौर पे इन लोगों का काम होता है। ज़ाहिर इसी इसी दिन के लिए ये इन इदारों को बनाया जाता है, फंड्स जाते हैं इनके पास। जब हम सिंध की बात करते हैं तो सरकारी मुलाजमीन के जो तनख्वाहें हैं उसमें से पैसे काटे जा रहे हैं फंड्स की मद में। जब इस तरह के इकदाम पहले ही बता दिया गया था, पेश की इत्तला थी कि सैलाब आएगा, और आपको भी याद होगा कि 2 महीने पहले बलूचिस्तान में सैलाब था। आपको पता है कि वो बलूचिस्तान वाला सारा पानी सिंध में आता है, आपका जो साउथ लगता है इसका, सिंध का। तो पेश की इकदाम क्यों नहीं किए गए, और ये इदारे क्यों पाले जा रहे हैं? इनको ख़त्म कर दें और ये फंड भी फिर आर्मी को ही दे दें। जफीर भाई, बात यह है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि कहीं भी हमें ना NDMA वाले नजर आए, ना सूबाई गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट भी नजर नहीं है। DC और जो मिनिस्टर है वो तो यहाँ डिफेंस में बैठे हुए हैं, इनके MPs, MNS, पीपल्स पार्टी के सारे यहाँ बैठे हुए हैं, और अपने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है उन्होंने। और लोग, आप यकीन करें, हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोग इनको इतनी बददुआएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे नुमाइंदे, आप लोग कराची से आके हमारी, जी आप कराची से आके हमारी मदद कर रहे हैं, और यहाँ हमारे जो अपने हमारे नुमाइंदे हैं वो गायब है। बात ये है कि सफीर भाई, देखिए ये KP के अंदर भी हुआ है, और एक नौशेरा की असिस्टेंट कमिश्नर कितनी अन्य उस अपनी ड्यूटी को बखूबी सर अंजाम दे रही थी और लोगों को मुंतकिल कर रहे, लेकिन अफसोस का मकाम है कि यहाँ पर सूबाई गवर्नमेंट भी, उनको पता भी था, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई इकदाम नहीं किए, बल्कि जो बड़े थे मिनिस्टर थे या MNA थे या MPA थे, उन्होंने खाली अपने जमीनें बचाने के लिए दूसरे जो गरीब लोग हैं बिल्कुल उनके ठीक कह रहे हैं उनके शाहनवाज साहब, पूरे इसमें कोई शक नहीं ग्राउंड कि वो दिए। अपने अपने मफादात, अपने इलाके, अपने हलके उन्होंने बचाए, अपने बागात बचाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फहमिदा यूसुफी, आप किस तरह देखती हैं, कब तक ये मुल्क, और जब इस तरह की सूरत हाल होती है, 8 अक्टूबर 2005 की बात करें, 2010 की बात करें, सैलाब की, COVID-19 की बात करें, या फिर हालिया सैलाब की बात करें, हमें पाक अफवाज ही ग्राउंड पे नजर आती है सबसे पहले, और उसके बाद जो NGOs हैं वो काम करती हैं। हुकूमतें कहाँ चली जाती हैं, चाहे सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत, लोग जो है वो ना हमें PDM में नज़र आता है, ना NDM में नज़र आता है। आप लिखती भी हैं, आप इस हवाले से पिछले कई दिनों से, जब से बलूचिस्तान का सैलाब, बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से इस पे लिख भी रही हैं, बार बार प्रोग्राम्स में भी हम डिस्कस करते हैं। क्या वजह है कि हमें सिविल इंतज़ामिया, सिविल हुकूमतें नज़र नहीं आ रही? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, उनको आपस से, अपनी लड़ाइयों से, मफादात से, इक्तदार से फुर्सत मिल जाए तो वो ये अवाम की जानिब नजर डाल लें। इन लोगों को शर्म नहीं आती है इस वक्त कि पाकिस्तान जो है अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजर रहा है। लेकिन आप चाहे हमारे वजीर आजम साहब हों,
चाहे हमारे सूबाई जो वजीर आला हो वो आपको क्या करते हुए नजर आएंगे, बातें आप उनकी सुने तो समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं। आज आज ही आप जरा देख लें कि किस किस्म के बयान जो हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं। अरे आप तो वजीर आजम हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप अपना काम करें। आप वजीर आजम हैं, आप रियासत के हुक्मरान हैं इस वक्त। आप इस वक्त मुल्क सैलाब से गुजर रहा है, कल आपने 2 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। आप लोगों को कोई शर्म कोई हया कुछ नहीं आ रहा है, किसी तरफ आप देखें। आप जरा सिंध गवर्नमेंट के हालात की तरफ देखें तो सिंध गवर्नमेंट कहाँ पर काम कर रही है, उनकी इंतजामिया कहाँ पर काम कर रही है, समझ से बालातर है। या तो आप जो है वो पाकिस्तान आर्मी को कॉल करें और उनसे रेस्क्यू कॉल से उनसे रिस्पॉन्स लें, चाहे वो पाक आर्मी हो, चाहे बहरिया हो, चाहे फजाइया हो, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। या फिर जो एनजीओ है या जो आपकी काम करती भी नजर आ रही है इस्लामी जमातें, जिसमें अल खिदमत का इदारा, अल खिदमत फाउंडेशन, JDC, ये आपको ग्राउंड पे नजर आएंगे, या कुछ इंडिविजुअल आपको काम करते नजर आएंगे। ये मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि ये लोग कर क्या रहे। अभी तक शिकारपुर में जो तहसील है वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे, खैरपुर मीरस में लोग फंसे हुए हैं, ठरीपुरा आपका डूबा हुआ है, बदीन कहाँ कहाँ तक मैं बताऊं, लाड़काना क्या क्या हो रहा है, सांगड़ आप जरा देख तो ले। और इनकी परफॉर्मेंस, ये 14 साल से, मैं तो सिंध गवर्नमेंट के बारे में पहले बात करना चाहूंगी, उसके बाद जो है जरा हम पंजाब की सूरत हाल पे भी नजर डालेंगे और केपी पे भी। जी, सिंध गवर्नमेंट के तो हालात आप ये देखें कि कराची में कैंप्स में लोग स्कूल्स में खुद ब खुद आकर जो है वो पना गुजीन हो गए। उन कैंप्स की जो हालत है वो आप ऑन ग्राउंड आप वहां खड़े होकर देखें, बदबू ताफुन, वहां बच्चे मासूम, वहां हमला औरतें क्या किस हालत में है, किस हालत में बैठी हुई है। एनजीओ उनको खाना पहुंचा रही है, फहमीदा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं डीसी आप, साहब जो लेकिन ये है तो वो सिंध आ गए हुकूमत का, उन्हें। फहमीदा ये सिंध हुकूमत के लिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि हमने कोविड में भी देखा, आपने भी रिपोर्ट किया कि किस तरह वहाँ पे भी जो बैरूनी इमदाद आई, जो फंड्स आए हैं वो किस तरह खुर्द बुर्द हुए, और यहाँ माजी में भी है, 15 साल हो गए सिंध हुकूमत को मुसलसल इकतदार है, उनके पास कोई इकदाम नहीं थे, ये इतना भी इतनी कोई तूफानी बारिशें और इतना सैलाब नहीं था, इसको डाइवर्ट किया जा सकता था, इस छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते थे, इकदाम किए जा सकते थे, नहीं हुआ। और अब फंड्स आ रहे हैं, वो फंड्स भी लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है कि उनके ऊपर लगेंगे, सैलाब मुतासरी तक पहुँचेंगे। बिल्कुल ये बात फैक्ट है, कोई नियाग्रा फॉल देखने पहुंचा हुआ है, कोई ये बता रहा है कि ये अल्लाह का अजाब है, कोई ये बता रहा है कि कश्ती में बैठ के वो अपने हाथों से हटा रहा है, कोई वीनस बता रहा है। मतलब कमाल कर दिया है आपकी पीपल्स पार्टी की क्या सीनियर क्यादत ने, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने, जो वो वजीर खारजा है वो, क्या उन्होंने अपनी जो ये लीडरशिप है उनसे पूछा, उनसे कोई सवाल किया कि ये किस किस्म के बयानात और किस किस्म के फुटेजेस हमारे सामने जो है वो सिंध से आ रहे हैं। कहीं बच्चे जो है आपने देखा होगा, बच्चे खाली खाली देगची में कीड़े हैं, उसमें वो एक छोटी सी बच्ची जो है वो कोशिश कर रही है, कहीं कोई घास खाता हुआ बच्चा नजर आ रहा है, कहीं कोई मरती हुई बच्ची नजर आ रही है, बिल्कुल कहीं ठीक कह कोई रही हैं मरता फहमीदा, हुआ इसमें बच्चा कोई शक नजर नहीं। आ और रहा बिलावल साहब है। वो वहाँ पे जब लाड़काना से जो मनाजिर सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो 2 दिन के लिए आए, तसल्लियाँ दी और उसके बाद वो चले गए, अब वो खरबों रुपये इकट्ठे कर रहे हैं, वो खरबों रुपये कहाँ जाएंगे, किस तरह, हमने माजी में भी देखा कि अवाम के ऊपर तो एक ढेला नहीं लगता। फहमीदा मैं आपकी तरफ आऊँगा, शाहनवाज जदून साहब आप देख रहे हैं फहमीदा यूसुफी, चूँकि लिखती भी हैं वो ग्राउंड रियलिटीज को बेहतर तरीके से बता भी रही थी आपके सामने, ये हाल है आपके सिंध के और बहुत बुरा हाल है, कैसे लोगों तक इमदादी कार्रवाइयां पहुंचेंगी, कैसे लोगों तक इंटरनेशनल फंड्स जो आ रहे हैं वो उन तक लगेंगे, उन तक पहुंचेंगे? जफीर जतुन साहब भाई, बात यह है कि फहमीदा बहन सही बोल रही थी कि ये इनके तो वारे न्यारे हो गए, और अभी साल या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद इलेक्शन होने, तो ये तो आप इससे अंदाजा लगा ले कि अगर ये कहीं गए किसी गोट में, तो वहां उन गरीबों को, बेचारों को, जब कोई वो इन्होंने राशन देना था तो उनको कहा है कि कुरान पाक पे हाथ रखें कि भाई आपने हमें वोट देने, हम तब आपको देंगे, राशन देंगे। तो लोगों ने कहा है कि हमारे ऊपर तो वैसे पहले से इतना बड़ा बड़ी मुसीबत आई हुई है, आप क्यों हमें गुनाहगार कर रहे हो।
तो ये लोग तो पीपल्स पार्टी का तो काम यही है कि भाई वो खाली लूटते हैं। आपने कोविड के अंदर देखा कि इन्होंने कहा है कि हमने 8 अरब रुपए के राशन दिए, जबकि किसी को 1 रुपए का राशन नहीं मिला। 8 के 8 अरब रुपए ये राशन के खा गए हैं। ये ना यतीमों के पैसे छोड़ते हैं, बेवाओं के पैसे नहीं छोड़ते हैं। ये तो अभी लगे हुए बिलावल साहब कह रहे हैं कि मैंने इतने पैसे जमा कर दिए। कहाँ है भाई पैसे? आप आ जाए, आपका सुबह है, लड़खाना के अंदर बैठ जाए। लड़खाना के अंदर इतनी बुरी हालत है कि आप सोच नहीं सकते। जकीर भाई, आपको हम परसों गए थे लड़खाना, बहुत बुरा हाल है। अभी खान साहब आ रहे हैं 5 तारीख को, पहले बिल्कुल ठीक कह रहे शाहनवाज साहब, लेकिन वो जरदारी साहब जो 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 पंजाब की सियासत में जो हमारी कौमी सियासत की जब हम बात करते हैं तो उसमें सब पे वो भारी होते हैं। आज आए ना सैलाब जदगान, चाहते हैं कि वो हमसे भारी हो जाएं और उनकी मदद करें, तो किधर है उनका भारीपन? जफीर भाई, वो खाली जोड़ तोड़ के लिए, लोगों को खरीदने के लिए। जो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 20-20, 30-30 करोड़ रुपए का एक MNA एक MPA को दे रहे थे, तो वो पैसे सिंध के गरीब आवाम को तो दे देना। इन्हीं के लूटा हुआ पैसा है, इन्हीं पे लगाए। आज सिंध के लोग मुसीबत में हैं, आज सिंध के लोग बेघर हो गए हैं, आज सिंध के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, तो वो पैसे इन पे खर्च करे ना। ये अभी भी लगा हुआ है पंजाब में गवर्नमेंट गिराने के लिए और ग्राउंड पे आने के लिए तैयार नहीं है सिंध में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शाहनवाज जुदन साहब, इसमें कोई शक नहीं, ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। और जरदारी साहब को पाकिस्तान होना चाहिए था, दुबई में बैठे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मुतासरीन के दरमियान होता। आपकी ख्वाहिश उस वक्त जागती है जब इकतदार को मूव करना होता है, इकतदार की मुंतकली के हवाले से तो आप बड़ी कोशिशें करते हैं। हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखें, वो चूँकि बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो ज़ाहिर वो आएँगे नहीं, इमदादी कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। और इमदादी कार्रवाइयाँ भी ये होती हैं कि कश्तियाँ भर भर के पैसा बाहर भेज देते हैं, ये उनका खासरा है। शाहनवाज जुदन साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इमदादी कार्रवाइयाँ तो हो ही रही हैं, पाक फौज हमारे जवान लगे हुए हैं, लेकिन जो आबादकारी है इन लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना और उनकी टेंट सिटी बनाया जा रहा है, सिंध हुकूमत दावे भी कर रही है, लेकिन लोगों के घर कैसे बनेंगे? आगे सर्दियां आ रही हैं, उसके उसके लिए इकदाम क्या किए जा रहे हैं? सूबाई हुकूमत जो हैं वो वफाक के साथ मिलकर काम करने को तैयार नहीं है। 2 सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बलूचिस्तान जो है वो इत्तेहादियों के पास है, इत्तेहादी हुकूमत है, और वो वफाक के साथ भी इत्तेहाद में है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और इत्तेहादी हैं वफाक में भी, लेकिन तमाम सूबों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ कैसे होंगी और एग्जीक्यूशन कैसे होगी, जो सबसे बड़ा सवाल है। फहमीदा, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे, अभी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर गौस मोहम्मद साहब, लेकिन क्या समझती हैं जब सूबे ही सिंक नहीं है वफाक के साथ? 18वीं तरमीम के बाद हम देखते हैं कि सूबे बाख्तियार ज़रूर हैं, लेकिन इनके ऊपर वफाक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म बाई गॉड मुझे तो कहे नज़र नहीं आ रहे, ना उनकी कोई पर्सनैलिटी हमें दिखाई दे रही है, ना वो किसी जगह दिखाई दे रहे हैं, ना वो लग रहा है कि उन्होंने कोई एक मुश्तरका बयानिया बनाया हो कि ये बयानिया है, ये पॉलिसी है जो टो करनी है तमाम सूबों ने। जिस तरह कोविड में हमने देखा था कि एक पॉलिसी नज़र आ रही थी, समझ आ रहा था कि किस तरफ जाना है, अब फंड्स किसके पास आ रहे हैं, कहाँ लगेंगे, लोग सूबाई हुकूमत की तरफ जाएँ या वफाक की तरफ जाएँ, कन्फ्यूजन है। आपको कुछ समझ आ रही है कि डायरेक्शन क्या है और तरजीहात क्या हैं सूबाई और वफाकी हुकूमत की? 5.5 महीने से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वफाकी हुकूमत की कोई तरजीहात है या नहीं है। वजीर आजम साहब जो हैं वो किसकी बात सुन रहे हैं, किसकी बात नहीं मान रहे, वो तो एक चीक भी आती है तो मेरा ख्याल है कि वो बताने के लिए लंदन दौड़ जाते हैं। पूरी पूरी आपने देखा है कि वो तमाम काबीना वहां बैठी होती है लंदन में और उसके बाद वहां से वापस आती है। आप ये देखें कि एक मरियम बीबी साहिबा तो अल्लाह अल्लाह करके वो एक विजिट अपना करती हैं, तो पता चलता है कि वहां से भी पता चलता है कि वो सिर्फ फोटो सेशन था। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नवाज के जो लीडर्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। उनकी तो बहुत स्टेक है ना पंजाब में, वो तो वजीर वो तो पंजाब में भी और वफाक में भी उनकी हुकूमत है। बिल्कुल फहमीदा, मैं पूछता हूँ ना जरा, सेनेटर गौस मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूछ लेते हैं उन्हीं से। आप कह रही हैं कि वो आपको नजर नहीं आ रहे, सेनेटर गौस मोहम्मद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में, किस तरह देखते हैं जिस तरह फहमीदा भी बता रही थी कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत आपकी है, फ्रंट पे आप नजर नहीं आ रहे और ग्रुपिंग हमें नजर आ रही है, वज़ीर-ए-आज़म एक्टिव हैं
तो नज़र नहीं आ रहे। मरियम बीबी जाती हैं तो वो फोटो सेशन तक ही जो आपका उनका विजिट होता है वो महदूद हो जाता है। सूबे और वफाक सिंक नहीं है, अभी तक मुतासरीन कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उनको मदद कैसे मिलेगी, उनके घर कैसे बनेंगे, उनकी हिफाजत कैसे होगी। गोसमन साहब देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम सूबों का मुस्तैद इलाकों का दौरा किया है और फिर उन लोगों ये बेसिकली काम सूबों का है। 18वीं तारीख के बाद ये सारे सूबों का काम है और सूबे की जब हालात बस में नहीं होते तो फिर वो वफाक से मुतालबा करता है, ये आइनी और कानूनी तरीका है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सूबे तो बेबस बैठे हुए ना, वो तो आपकी तरफ ही देख रहे हैं, वफाक की तरफ ही, वो सूबे तो पानी से भरे हुए हैं। वो समझ सारे सूबे देखो ना, हमने बलोचिस्तान का सिंध का और प्राइम मिनिस्टर साहब के पी के का दौरा किया जी, वो उसमें अगर राजनपुर भी गए थे। अब मसला ये फिर जाव साहब ने उन्होंने 15 अरब रुपए सिंध के लिए ऐलान किया, 10 अरब बलोचिस्तान के लिए, 10 अरब के पी के लिए ऐलान किया है और फिर उसको बाकायदा इमदाद देंगे। अब वफाक अब इस तरीके इस्तेमाल जो है, क्योंकि ये सूबा इंतजामिया सारे सूबे का अंडर थे, उन्होंने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वफाक ने पैसे रिलीज कर रहे हैं और करेंगे, वो हमने कुछ मदे नहीं किए। तो ये सारे इंशाल्लाह अभी तो पहला फेज है ना कि जी लोगों को महफूज जगहों पहुंचाना, ठीक, उसके बाद उनको खुराक और खुराक पहुंचाना, ये फर्स्ट फेज है। सेकेंड फेज आएगा, उसमें सारे ये बीमारियां वगैरह का खतरा है, पानी की कमी है, जैसे आज कुछ लोग कह रहे थे कि वहां को बाथरूम का भी मसला है, तो लोगों तो आप फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। बलोचिस्तान में अभी भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही नहीं किया जा सका, जहां तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। तो वफाकी हुकूमत क्या बलोचिस्तान का इंतजार कर रही है कि सुबह खुद संभाल ले उसके बाद हम जाएंगे, या फौज वहां पे जो काम कर रही है बस एनफ है? वो जो जो वफाकी हुकूमत का या वज़ीर आज़म की जो विल होती है, जो थ्रिल होती है, जो हमने 8 अक्टूबर 2005 में नजर आई थी, जो 2010 में एक नैरेटिव नजर आ रहा था कि हुकूमत नजर आ रही है, प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, उनके पीछे सूबे खड़े होते हैं इस तरह की आफत ज्यादा माहौल में। इस वक्त आप नहीं 18वीं तरमीम गिनवा सकते किसी को कि आप 18वीं तरमीम है तो सूबा देख लेगा या फलाना है। लोगों की जाने जा रही हैं, लोग बेबस हैं, बेयारों मददगार बैठे हुए हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से आप अपील कर रहे हैं, उन लोगों को तो आपने रेस्क्यू करना है। यहाँ पे आप मुझे ये बता दें, हमें तो नहीं नजर आ रहे, आप भी दिल पे हाथ रख के बता दें कि जस्ट विजिट कर लेना इनफ है कि आपने बस विजिट कर लिया और आप अपना फर्ज पूरा करके वापस इस्लामाबाद बैठ गए। मैंने कहा ना कि वफाक ने 10 अरब रुपए बलोचिस्तान को दिए हैं। अब बलोचिस्तान की सारी जो मशीनरी है, बलोचिस्तान की इंतजामिया जो है सारी, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर देखो अभी ये तो फर्स्ट फेज है, अभी तो लोगों को महफूज जगहों पे पहुंचाना है, अभी तो दूसरे ये फिर खाना पहुंचाना है, फिर रिहैबिलिटेशन के लिए पैसे हैं। अभी तो रिहैबिलिटेशन तभी शुरू होगी ना जब पानी निकलेगा। अब तो लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि इवन के बरतानवी वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान 1/3 डूबा हुआ है जी। जब पानी उतरेगा तो फिर रिहैबिलिटेशन शुरू होगी ना, अगर सूबे नहीं कर सकेंगे तो वफाक खुद करेगा। और फिर देखो ये अगर ऐसा हम शुरू हो जाए तो फिर फिर सुबह ये घूमते हैं, कहते हैं कि जी हमारे डोमेन में वो ठीक है, सुबह उठते तो कह रही है कि शुरू करें, खुदारा बचाएं। वो तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी यही अपील कर रही है। फहमीदा गोस मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अभी तो चुके फर्स्ट फेज है, ज़ाहिर है पानी लोगों को लेके आएंगे, हम उनकी जाने बचाएंगे, उसके बाद फिर उनके घर कैसे आबाद होंगे, क्या करना है। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें हो पाएंगी इस तरह, और प्राइम मिनिस्टर के जस्ट विजिट और अनाउंसमेंट एनफ है? चूंकि एग्जीक्यूशन और वो जो बयानिया था या बयानिया जो होता है इस तरह की मुसीबत ज़्यादा में, पूरी कौम को आप एक कनेक्ट करते हैं और ताकि इमदादी कार्रवाइयाँ तेजी से हों, वो चीज़ आपको नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जिस 2005 में था उस पर मैं वो समझा, मैं आऊंगा आपकी तरफ, मैं फहमीदा का पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैं आपकी तरफ आऊंगा जी। फहमीदा प्लीज क्विकली, गुजारिश है कि जब सब काम जो है वो फौज ने करना है, एनजीओज ने करना है, और जो है वो बाहर मुल्क से ही इमदाद आनी है और उसको ही करना है, और आप लोगों ने कुछ नहीं करना, तो फिर आप लोगों ने ये हुकूमत ली क्यों की? मुझे तो मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है कि पंजाब में आपके जो सिलेक्टेड एमपीएस हैं वो इस वक्त सब काम छोड़कर क्यों नहीं मौजूद हैं अपने अपने इलाकों में? उनको मौजूद होना चाहिए था ना, वो तो वहां पे अब अपोजिशन है या जो भी है, ग्राउंड में क्यों नहीं है? हमजा शहबाज साहब किधर चले गए?
क्यों नजर नहीं आ रहे हैं, आपके लोग क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आप लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है कि आप जो है वो नवाज शरीफ की स्पीच पीटीवी पे एयर कर रहे हैं और इमरान खान साहब की स्पीच आप लोगों ने रोक दी थी, वो तो अदलिया ने उनको इजाजत दे दी, तो फिर आप लोगों को करना पड़ गया। आप उनपे मुकदमे बनाने में, सियासत करने में, किसी तरह उनको नाअहल करने में जो है वो मसरूफ है, बजाय इसके कि आप ये देखें कि यहाँ पर क्या तबाही मच रही है। आप ये कह रहे हैं कि वफाक का काम है, वफाक का काम तो वफाक तो बड़ा भाई होता है ना। आपको पहले दिन जो है वजीर आजम साहब को चाहिए था कि उसी वक्त कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाते, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मौजूद था एनसीओसी का उसी तरह उसको बहाल कर लेते जिस तरह कोरोना में हमें नजर आया। जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। फहमीदा जी गौस मोहम्मद साहब, फहमीदा यूसुफी जो बात कर रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, कमांड एंड कंट्रोल उस तरह हमें नजर नहीं आ रहा जो कि आप खुद भी कह रहे हैं, हम एक बयानिया नहीं बना सके। जो हमें 2010 और 2005 में नजर आया, पूरी कौम इकट्ठी थी, वो पूरी कौम जो है वो सियासत नहीं हो रही थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस वक्त 2005 में मुशर्रफ साहब थे, लोग उनके पास साथ खड़े थे, जज्बा था, जज्बा आवाम में आज भी है, लीडरशिप ऊपर नजर नहीं आ रही। गौस मोहम्मद साहब बिल्कुल आप बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखो बदकिस्मत से इमरान खान ने हर चीज को पोलिटिसाइज कर दिया है सर, आप इस चीज का भी जिम्मेदार इमरान खान है, खुदा रहा ऐसा ना करें प्लीज। के उनके देखो जाके केपीके में उनकी हुकूमत है ना, हमें उनको 10 अरब रुपए सर केपी में हुकूमत है, वहाँ पे जो बिलियन ट्रीज लगे थे उसकी वजह से बहुत सारा डैमेज जो है वो कंट्रोल हुआ, तो आप इस चीज को भी अप्रिशिएट करें, हर चीज का इल्जाम आप इमरान खान को ना देना। गौस मोहम्मद साहब नहीं, इमरान खान देखो ना, आप भी ये मेरी जो मोहतरमा मेरी बहन कह रही हैं कि इमरान खान की तकरीर पे पाबंदी लगाई है, देखो हाँ तो लगाई है, वो तो मुकदमा है आपके सामने ही है ना। आप जी तकरीरों से नहीं चलते, सोशल मीडिया से नहीं चलते, ऑन ग्राउंड काम करने से होते हैं। आप देखो ना शहबाज शरीफ साहब ने सारा बी के प्राइम मिनिस्टर सारा विजिट किया है, खान साहब ने एक बार फोटो सेशन करा के आ गए, और कल हमने देखा कि वजीर आला जो केपी के हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के हटके ऊपर आए और ऊपर से उसका हाथ हिलाए जा रहे हैं। ये शहबाज शरीफ साहब भी यही कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से ही दो बैग फेंके उन्होंने और वापस आ गए सर, ये ना छोड़, मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं आ रही वो चीज नजर, लीडरशिप साथ बैठे हैं सबके बातें सुनिए, सबके साथ खाना खाया है, उनको खाना खिलाया है, अल्लाह करे सर हकीकत ऐसी नहीं है, अल्लाह करे कि ये से हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, गौस मोहम्मद साहब आपका शुक्रिया, फहमीदा यूसुफी आपका शुक्रिया। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं सैलाब के हवाले से और सैलाब की जो तबाहकारियां हैं, नेशनल लीडरशिप हमें नज़र नहीं आ रही और इसी का फुकदान है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप आवाम के पास चले जाएँ, वो ये कहते हैं कि हमारे हुक्मरान कहाँ हैं, हमें नहीं समझ आ रहा कि हमारी मदद कौन करेगा, डायरेक्शन कहाँ से आएगी, कैसे हमारे घर बनेंगे, कैसे हमें रेस्क्यू किया जाएगा। ये वो इश्यूज़ हैं जो इस वक्त हर शहरी जो मुतासर हुआ है वो ये सवाल कर रहा है, और यही सवाल हम आपके सामने भी रखें, इस पर मज़ीद बात भी हम करते रहेंगे। और इसके बाद चूँकि प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में सेहत की सहूलियात के वाले से, LOC के मुकीम जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, उनके क्या मुतालबात हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।